हेलो स्टूडेंट, तो देखिए ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपको हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि रेजिस्टिविटी का फार्मूला, उसी पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला गया द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। देखिए एक वायर है, हम थोड़ा डायग्राम से आपको समझाते हैं। और द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है सर्कुलर फार्म में ही होता है वायर का। जब वायर को आप देखेंगे एंड पॉइंट से तो सर्कुलर शेप में होता है। तो इसका जो रेडियस दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर दिया गया है। अब रेडियस को पहले तो आप मीटर में बदलिए, तो मीटर में जब बदलेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। तो 0.01 अपान कितना जगह 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जगह आपका 100 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। अब ध्यान से अगर देखिए तो 1/100 तो पहले से है, यहाँ भी बच्चे सब कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। डेसिमल को हटाएंगे तो 1 और 2 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10^4, और जब ये ऊपर आएगा स्टूडेंट तो 10^-4 मीटर हो जाएगा। तो देखिए रेडियस को कैसे हम बदलें, ध्यान समझिएगा। ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिए। अब 100 से तो डिवाइड कर दिए, लेकिन ये 100 कैसे आया, तो सिंपल सी बात है कि जब 0.01 को जब चेंज करोगे तो डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100 ही आएगा। तो उसका 100 आ गया, तो 10^4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -4, ये आपका रेडियस हो गया। और आगे पढ़िए, रेडियस इज 10 ओम, रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम, मतलब इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस दिया गया होगा, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम, इसको भी लिख लीजिए, इन्फॉर्मेशन जितना है सब लिख लीजिए। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज, यहाँ पर ओम मीटर होगा, यूनिट यहाँ पर ओम मीटर होता है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, क्योंकि मटेरियल की ही रेजिस्टिविटी होती है, तो रेजिस्टिविटी को रो दिखाते हैं, रो से। तो दिया गया है 50 × 10^-8 ओम मीटर, ये हो गया रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट ध्यान समझिए, रेजिस्टेंस पता है, रो पता है, पूछा क्या गया लेंथ ऑफ द वायर, वायर की ये लेंथ कितनी होगी, और एरिया कैसे निकालोगे, ये एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, सर्कल ही तो है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लगाइए पहले फार्मूला, आर इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए। अब कैसे समझेंगे कि यही फार्मूला यूज होगा, तो समझिए रो दिया है, आर दिया है, एल पूछा गया है, ए दिया ही गया है, तो आखिर कैसे, मतलब समझ ही जाओगे कि यही फार्मूला यूज होगा। तो आर कितना है 10 ओम, तो 10 ओम रख दीजिए। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 × 10^-8, तो इसको रख देते हैं। इंटू लेंथ, लेंथ कितना, लेंथ तो निकालना ही था। और एरिया, अब बात आती है एरिया, कौन से एरिया, रेक्टेंगल के एरिया, स्क्वायर के एरिया, कि सर्कल के एरिया। तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है सर्कुलर ही तो होता है, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसान हो गया ये तो। 10 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 50 × 10^-8 इंटू एल हो जाएगा, इंटू एल अपान पाई का वैल्यू कितना रख दीजिए, 3.14 रख दीजिए, क्योंकि 22 में रखने से कोई फायदा नहीं होगा, कटेगा ही नहीं। रेडियस कितना है आर का स्क्वायर, तो रेडियस 10^-4 निकाले थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10^-4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको आप कीजिए कैलकुलेशन, देखिए कितना आएगा, इसको अगर आप करते हैं तो कितना आएगा। तो यहाँ से 10, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या 3.14 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे इंटू 10 से, इसको यहीं रहने दिए, ये हो गया आपका 50 × 10^-8 अपान 4 × 8 10^-8 और इंटू ये एल है, 3.14 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको यहीं छोड़ दिए क्योंकि कटेगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 3.14 को 10 से करेंगे तो 31.4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा 50 एल, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा एक प्लेस। तो यहाँ से स्टूडेंट जब L की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा बताइए, तो 3.14 के नीचे आ जाएगा 31.4/50। अगर यहाँ भी समझदारी दिखाएंगे तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, जल्दी से 31.4/5, इसको 5 × 10 कर लीजिए। अब 10 मतलब क्या, अब यहाँ काट भी सकते हो 2 से आप, लेकिन ऐसे कर लीजिए, 10 अलग करने से क्या होगा कि यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, तो हो जाएगा 3.14/5 मीटर, यही आपका आंसर है। अगर और इसको चाहो डेसिमल में लिखना तो बदल सकते हो, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना बताइए, 5 × 6 = 30, तो 0.628 आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा इसको, इतना ही आएगा। तो ये लेंथ हो गया आपका,
0.628, क्योंकि देखिए 5 6 जा 30, 6 टाइम्स गया तो 31 में से 30 जाएगा 1, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0, तो 5 कितना जाएगा बताइए यहाँ से, जब इसको करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, मल्टीप्लाई करने बाद देखिए 5 से 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 40, 5 6 जा 30 31, यही आएगा मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो डिवाइड कर लीजिएगा, ये आप कर लोगे तो ओके स्टूडेंट ये आपका लेंथ आएगा, मतलब कि इस कंडक्टर का जो लेंथ रहा होगा इतना रहा होगा। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैलकुलेशन देखिए इसमें, कैलकुलेशन में बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ओके स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन और स्टूडेंट बताइएगा, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वायर है, यहाँ बोला गया है कि ये शॉर्ट वायर है, लेंथ में छोटा है, ये लॉन्ग वायर है और ये कॉपर वायर, मटेरियल दोनों का तो सेम ही है, ये भी कॉपर का ही, ये भी कॉपर वायर का ही है। क्वेश्चन में ये दिया गया आपको कि आपको बताना है कि रेजिस्टिविटी किसकी मैक्सिमम होगी और जो रेजिस्टेंस होगा किसका मैक्सिमम किसका मिनिमम होगा। ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग वायर है, ये आपके क्वेश्चन छोड़ देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताए थे। आपको बताना है दोनों के रेजिस्टिविटी के बारे में, कंपेयर करना है, कंपेयर द रेजिस्टिविटी रो एंड आर फॉर बोथ वायर, दोनों वायर के लिए हमें कंपेयर करना है, रेजिस्टिविटी के लिए कंपेयर कीजिएगा और आर किसका कम किसका ज़्यादा होगा, ये आपके लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जरूर इसका देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं पिछले वीडियो में। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक वायर है, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए इसका लेंथ एल है और यहाँ पर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इस ये सिल्वर वायर है और रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम, रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि ये जो है लेंथ तो एल ही है लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है डबल हो गया है, टू वे, क्या इसमें बोला गया है, ये भी सिल्वर वायर ही है, सिल्वर वायर, इसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड करना है इसका जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, आर डैश इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा, कैसे करेंगे, क्या लॉजिक है, देखिए इसको करते हैं। इस सिल्वर वायर का पहले तो आप सोचिए कि दोनों वायर क्या है, सिल्वर है, हाँ ये एरिया कम है, इसकी एरिया टू वे है, थोड़ा सा ये वायर जो होगा थिकर होगा, मोटा होगा, क्योंकि इसकी एरिया टू वे है, लेंथ दोनों का सेम ही है, थोड़ा सा हम यहाँ पर डायग्राम सही से बना देते हैं। देखिए थोड़ा सा ये वायर जो होगा मोटा होगा और लेंथ दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि लेंथ तो एल ही बोला है लेकिन ये एरिया टू ए बोला है इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा वायर थिकर होगा, ये थिन होगा। बोला गया कि इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, जबकि इसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो इसका रेजिस्टेंस 4 था, तो जब इसका लेंथ एल और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाए तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बस डायग्राम से ही आप समझ सकते हो। तो देखिए इसका नया रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले देखिए ध्यान से कि दोनों के लिए रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगी, बोलिए क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी से कोई मतलब नहीं है किसका लेंथ क्या है, एरिया क्या है, सिल्वर का ये है, ये भी सिल्वर वायर का है, तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो ये सिल्वर का बना हुआ है, तो आर इक्वल टू क्या होगा बताइए, फार्मूला रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, आर कितना बताइए 4 है, इसका 4 है तो 4 इक्वल टू क्या हो गया रो एल बाई ए। अब ये स्टूडेंट आपका बन गया एक इक्वेशन, अब इसी रो एल बाई ए की वैल्यू जो 4 है इसको हम लोग पुट करेंगे इस वाले में, तो यहाँ पर जब आर डैश आप निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, रो रो तो सेम ही रहेगा अपान एल अपान ए, अब यहाँ पर ए कितना रखोगे आप, 2 ए रखोगे,
ध्यान से देखिए, तो R डैश इक्वल टू जो नया रेजिस्टेंस जब भी आएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन बने और बोले कि न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो हमेशा उसमें रो एल बाई ए को अलग करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें रो एल बाई ए को अलग कर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए 1/2 को सेपरेट कर लीजिए क्योंकि 2 नीचे है, और रो एल बाई ए को एक साथ कर लीजिए। हम क्या बोले हैं, जब भी आपको न्यू रेजिस्टेंस निकालना हो तो रो एल बाई ए के एक्सप्रेशन को अलग कर लीजिए और जो नंबर है उसको साइड में कर दीजिए। अब बताइए कि यहाँ पर जब आर डैश आप निकालते हैं तो ये तो 1/2 है, लेकिन यहाँ पर रो एल बाई ए की जो वैल्यू है यहाँ से 4 रख सकते हैं कि नहीं, इसके जगह पर यहाँ 4 रख दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है। तो 1/2 × 4 ये 2 या कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आर डैश आएगा वो कितना आएगा बताइए, 2 ओम आएगा, आर डैश आएगा 2 ओम। मतलब कि ऐसे भी आप फील कर सकते थे, रटना एक अलग चीज़ है, ये तो मैथमेटिकल अप्रोच हो गया लेकिन फीलिंग कैसी आएगी। तो आप खुद समझिए कि ही बताए थे फार्मूला कि आर इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए था। यहाँ से आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, लेंथ में क्या कहीं चेंज आया है, नहीं, क्वेश्चन में तो लेंथ में चेंज किया ही नहीं है। अब बोला है कि यहाँ पर एरिया जो है डबल हो गया, एरिया डबल होने का मतलब क्या, एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ेगा, एरिया जब ज़्यादा होगा तो आसानी से एंट्री कर जाओगे तो रुकावट क्या होगा, कम। तो एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो पहले रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, अब कितना हो गया 2 ओम। तो देखिए रेजिस्टेंस घटा कि नहीं, रेजिस्टेंस कम क्यों हुआ, क्योंकि एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ेगा तो रुकावट कम होगा ही, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, एरिया बढ़ गया आसानी से एंट्री कर जाओगे आप। अब ये भी समझते हैं कि ओरली कैसे कर सकते थे, विदाउट किए दिमाग से कैसे कर सकते थे, सोचे सोच करके देखिए क्या है, इसको डबल किया गया है। जब एरिया डबल होगा तो देखिए ये उल्टा चल रहा है, अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो लेंथ भी डबल होगा, ये ट्रिपल होगा तो ये भी ट्रिपल होगा, ये हाफ होगा तो ये भी हाफ होगा, लेकिन इसमें उल्टा चलेगा, रेजिस्टेंस डबल होगा तो ये हाफ होगा और ये हाफ होगा तो ये डबल होगा और ये डबल होगा तो ये हाफ होगा, मतलब उल्टा बोलना जब भी बोलना। तो अच्छा, रो और एल में तो कोई बोला कुछ बोला ही नहीं गया, जो बोला गया एरिया में बस बोला गया है, यहाँ एरिया ए तो यहाँ पर 2 ए है, तो देखिए एरिया क्या हो गया डबल, और एरिया डबल होगा, डबल किया है कि नहीं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना था पहले 4, तो 4 का हाफ 2, डायरेक्ट आंसर आ जाता। देखिए कितना आसान है, मान लीजिए यहाँ पर रहता 3, तो एरिया जब यहाँ पर ट्रिपल कर दिया गया तो इसका मतलब क्या, ये 1/3 कम हो जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर डबल होगा तो यहाँ हाफ होगा, यहाँ ट्रिपल होगा तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ 4 times होगा तो यहाँ 1/4 times हो जाएगा, ये 5 times तो 1/5 times। तो आसान है, बिना ये सब किए कर सकते हो, कि ये आपका मैथमेटिकल अप्रोच है, ऐसे ही करने का तरीका है, इसी ऐसे करोगे आप। अदरवाइज अगर कंपटीशन रहे तो आप ओरली देख कर ही बता सकते हो आंसर कितना होगा। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी पर। अ सिल्वर वायर ऑफ लेंथ 20 centimeter है, रेजिस्टेंस 4 ओम, इफ द वायर इज स्ट्रेच स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड करना है न्यू रेजिस्टेंस, की वैल्यू कितनी होगी। इसको आप ट्राई कीजिए स्टूडेंट, देखिए कैसे होगा। आपको देते हैं 1 मिनट का समय, इसको जल्दी कीजिए, कितना होगा बताइए, करके बताइए कितना होगा, ये जल्दी इसको आप कीजिए कितना होगा।
देखिए तो बोला गया है कि एक सिल्वर वायर है जिसका लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम। तो रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम, तो देखिए ध्यान से इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर तो पहले एक सिल्वर वायर समझने के लिए बना लीजिए, ये सिल्वर का वायर है, इसका लेंथ जो दिया गया स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम। अब इसको वायर को स्ट्रेच किया गया, इसको खींचा गया और डबल कर दिया गया, तो डबल करोगे स्ट्रेच करके तो लेंथ कितनी थी 20 और कितनी जगह 40 सेंटीमीटर। इसको स्ट्रेच कर दिया गया, खींच दिया गया, तो क्या स्ट्रेच कर दोगे तो कॉपर वायर बन जाएगा कि सिल्वर ही रहेगा, सिल्वर वायर ही रहेगा। तो कहने का मतलब कि अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो होगी तो इसकी भी क्या होगी, रो ही होगी, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है। अच्छा, अब बोला गया कि इसका जो आर डैश होगा वो कितना होगा, वही निकालना है। अच्छा, इसकी एरिया में नहीं पता, इसकी एरिया को हम ए मान लेते हैं और इसकी जो एरिया आएगी इसको ए डैश मान लेते हैं। ऐसे भी लॉजिक बनाइए कि जब इसको आप घींच दोगे, मान लीजिए एक रबड़ है, रबड़ को घींच दोगे तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेंथ तो डबल हो गया लेकिन एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कितनी कम होगी वो देखेंगे अभी। तो आर डैश निकालना है स्टूडेंट, देखिए कैसे निकालेंगे। तभी हम लोग जानते हैं फार्मूला आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ रखिए पहले, यहाँ पर L की वैल्यू 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं लेकिन मत रखिए क्योंकि वो कटना ही वो कटेगा ही, तो हम लोग वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि बाद में रखेंगे तो कट जाएगा। तो बस R कितना दिया है 4 ओम, तो यहाँ 4 रख दीजिए इक्वल टू रो L बाई ए, जैसे पिछला क्वेश्चन करवाए थे, यह एक रिलेशन बन गया। अब जो अगला R डैश निकालेंगे उसमें रो L बाई ए को खोजेंगे, उसके जगह 4 पुट कर देंगे। अब R डैश कैसे निकलेगा स्टूडेंट, तो देखिए R डैश निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे लेंथ, यहाँ पर L माने हैं तो एक तरह से यहाँ पर लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया, तो इसके लेंथ को हम L लिए हैं। L जबकि पता है 20 है तो यहाँ पर 12 लेंगे, 12 कितना होगा 40 होगा स्टूडेंट, आप समझ ही रहे हैं, चाहे तो आप 40 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे तो रो, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि इसकी एरिया कितनी होगी। तो देखिए ला ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन, ला ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कंजर्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कंजर्वेशन कि V1 इक्वल टू V2। जैसे आप पढ़े हैं ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास हमेशा सेम रहेगा, वैसे ही अगर इसको आप घींच कर बड़ा भी कर देंगे तो जो वॉल्यूम इस समय होगा वही वॉल्यूम इतना ही, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही लगा है इसमें ना, वॉल्यूम मतलब क्या, इसमें कितना मटेरियल लगा है, तो वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहेगा। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप, एरिया इंटू लेंथ, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर A1 ए और ए डैश मान लिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से इसकी एरिया कितनी है ए और लेंथ क्या है एल, तो ए इंटू एल कर दिए। इसकी एरिया कितनी है ए डैश और लेंथ कितना बताइए 12, तो यहाँ 12 कर दिए। मतलब कि पहले ऐसे समझिए ध्यान से कि A1L1 इक्वल टू A2L2, मतलब फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम दोनों सेम होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप रखिए वॉल्यूम एरिया कितना दिया है यहाँ पर, तो A1 कितना दिया है ए दिया है तो यहाँ पर ए रखेंगे, L1 कितना दिया है एल तो एल रखेंगे, A2 कितना इसका ए डैश और L2 कितना माने हैं 2L, तो L से L कट जाएगा तो 2 नीचे भेज दीजिए, तो A/2 इक्वल टू आ गया ए डैश। कहने का मतलब कि जो नया एरिया आएगा ये A/2 होगा, मतलब कि ये A/2 होगा स्टूडेंट। और सिंपल सी बात है कि जब वायर को आप खींचोगे डबल करोगे तो ये एरिया और कम हो जाएगी ना, पतली हो जाएगी, क्योंकि ये रबड़ अगर होता है पतला हो जाएगा वायर एकदम, तो एरिया कम ही हो जाएगी, वो कितनी होगी A/2 होगी। तो देखिए इस फार्मूले से आ गया वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ से। अब यहां पर रखिए और देखिए कितना आएगा, तो जब यहां पर रखेंगे R डैश तो निकालिए R डैश इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई ए, रो L, L कितना है 12 है। अगर बोले कि सर यहां पर L 12 क्यों लिए, 20 40 रख देते तो रखो कोई दिक्कत नहीं है, L 20 रखोगे 40 रखोगे तो कट जाएगा 22 या 42 ही तो आएगा, तो हम L 12 लेकर चल रहे हैं, कोई भी यहां वैल्यू दे बस आप L लेकर चलो वो सब कट जाएगा, कोई यहाँ पुट करने की आवश्यकता नहीं है 20 40, क्योंकि वो कटना ही है, तो हम L और 12 लेकर चल रहे हैं। रो L, L बताइए कितना लेंगे, क्योंकि नया रेजिस्टेंस निकालने तो इसका L लेंगे, उसका L कितना है 12 है, आप चाहो तो 40 रख दो लेकिन हम L में लेकर चल रहे हैं क्योंकि वो कटेगा ही 40 रखने से, तो आप L में लेकर चलिए। तो रो L बाई A होता है, क्या होता है फार्मूला रो L बाई A, तो L कितना है 12 और A कितना है तो A/2 है। फार्मूला स्टूडेंट क्या था, वही था रो L बाई A था, तो अब की बार जो आपका L था वो कितना था बताइए 12 है यहाँ पर, और यहाँ पर एरिया जो है आपका A/2 है, ये 2 कहाँ चला गया बताइए, ऊपर चला गया, तो जो आपका R डैश आएगा
ये टू तो ऊपर चला गया, टू टू जा फोर, तो फोर हो जाएगा। और रो एल बाई ए को आप सेपरेट कर लीजिए, इस तरह से अलग कर लीजिए, देखिए टू ऊपर चला गया, रो एल बाई ए देखिए फिर से दिख गया कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है फोर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है फोर है, तो आर डैस कितना गया स्टूडेंट देखिए फोर इंटू ये फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, मतलब जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो सिक्सटीन ओम आएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हम स्टेप किए हैं समझाने के लिए किए हैं, अब यहाँ पर आप ओरली समझ सकते थे कि इसकी एरिया कितनी आएगी। मान लीजिए इस वायर को हम फोर टाइम्स घींच देते, अभी तो ये डबल किए टू टाइम्स, अगर ये फोर टाइम्स घींचते तो एरिया ए बाई फोर हो जाती, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये टू टाइम्स हो रहा है तो ये टू टाइम्स कम हो जाएगा, वायर एकदम पतला हो जाएगा। अब यही मान लीजिए आपका मार्कर इसको और घींचोगे कि मान लीजिए अगर ये स्ट्रेचेबल होता तो इसकी एरिया और क्या होती, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है मार्कर का, ये जो एरिया है, अब इसको घींचोगे तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये थ्री टाइम्स घींचोगे तो ये ए बाई थ्री हो जाएगा, यहाँ पर टू टाइम्स डबल किया गया तो ए बाई टू हो गया। तो ये करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तो हम समझा दिए कि कैसे हुआ, प्रूफ करके दिखा दिए वॉल्यूम ऑफ कंजर्वेशन से, लेकिन आप ओरली कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप एकदम कर सकते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं जिससे कि आपको एकदम फील आ जाएगा और कभी ऐसी गलती करोगे नहीं, भूलोगे नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से एकदम। जल्दी थोड़ा देखिए, टू इंटू वन की स्पीड से यहाँ पर दिया गया है, एक वायर है, मान लीजिए कि इसका जो लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस स्टूडेंट दिया गया है मान लीजिए 2 ओम। अब इस वायर को क्या किया गया, स्ट्रेच कर दिया गया, स्ट्रेच करके बोला गया थ्री टाइम्स कर दिया गया, मतलब 30 सेंटीमीटर हो गया। हम चाहते हैं आप एल और थ्री एल भी दे सकते हैं, तो अब बताइए अगर ये थ्री टाइम्स हो गया तो इसकी एरिया को ए मानेंगे तो ये कितना आएगा, कन्फर्म है कि ए बाई थ्री आएगा करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर थ्री टाइम्स ये लंबा करोगे तो ये पतला हो जाएगा, ए बाई थ्री हो जाएगा। हाँ, बोला गया कि एक कॉपर वायर है, मान लीजिए क्वेश्चन बोला गया कि एक कॉपर वायर है, तो ये भी कॉपर वायर ही होगा जब स्ट्रेच करोगे, तो सिल्वर तो बन नहीं जाएगा, मतलब इसके लिए रो मानेंगे तो इसके लिए भी रो ही मानेंगे। बोला गया कि बताइए इसका आर डैश कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, कैसे करोगे, पर इसका आर निकालिए तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ये होता है। यहाँ पर एल आप 10 पुट कर सकते हैं, या बेटर है कि इसको एल ही लिखिए, और यहाँ पर 30 है तो इसको 3 एल लिखिए, वो तो कटना ही है क्योंकि 3 टाइम्स हो गया। आर कितना बताइए 2 ओम, तो यहाँ पर 2 रखिए, रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए की वैल्यू जो 2 आएगी स्टूडेंट, इसको हम पुट करेंगे। अब यहाँ से निकालिए आर डैश, तो क्या होगा, रो एल बाई ए, तो रो कितना है, रो तो रो ही रहेगा, सेम ही रहेगा एल। अब एल अब की बार कितना है, 3 एल है, 30 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम 3 एल यहाँ पर रख रहे हैं, 3 एल अपन ए, ए कितना रखेंगे, ए बाई 3 रखेंगे आपकी बार, तो ये 3 कहाँ चला गया स्टूडेंट, ऊपर चला गया, तो आर डैश इक्वल टू कितना हो गया, 3 3 जा 9। अब फिर से रो एल बाई ए आपको दिख गया कि नहीं, और रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 2, तो आर डैश कितना आ गया, 9 इंटू 2 9 टू जा 18 ओम। तो बकवास है, बहुत ईजी है, एकदम करते जाओगे सब कुछ भी नहीं है, बच्चे इसको बहुत समझ लेते हैं कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्या इसमें बहुत आसान है, और आपको फील हम दिला देते हैं कि ये कैसे वैल्यू, पहले रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम, अब आ गया 18 ओम, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि आर इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए था स्टूडेंट। लेंथ आपका क्या हुआ, ट्रिपल, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो देखिए लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा कि नहीं, 2 से कितना हो गया 18 बढ़ रहा है। अच्छा, एरिया कम होगा तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो एरिया कम हुआ कि नहीं, पहले एरिया ए था अब ए बाई 3 कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस का आंसर, अगर मान लीजिए आपका आंसर 2 से कम आता है, इसका मतलब आप आंसर कहीं गलत किए हैं, जब भी आंसर आएगा तो 2 से ज़्यादा ही आ गया, कितना आएगा इतना आएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। एक क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए, उसको आप जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि नहीं उसका आंसर कितना आएगा, इसको नोट कीजिए और एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि नहीं उसका आंसर कितना आएगा। देखिए स्टूडेंट, ये दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर, इंक तो समाप्ति हो गया और इसको स्ट्रेच कर दिया गया, और ये दिया गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब समझ रहे हैं कितना टाइम्स हो गया, और बोला गया कि ये एल्युमिनियम वायर है, ये भी एल्युमिनियम वायर ही होगा, और इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है आपका 6 ओम, और बताना है किसका आर डैश कितना होगा। अब इसके एरिया को एम मान लेना, तब देखना ये कितना हो जाएगा एरिया, आप कर सकते हैं, एकदम कीजिएगा,
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। इसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में लिख देता है जो पहला क्वेश्चन करवाए थे कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर को स्ट्रेच करके 4 टाइम्स कर दिया गया, देन फाइंड करना है न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो बस हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद इसका सारा कंसेप्ट आपका समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए स्टूडेंट, ये आप कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इंक तो समाप्ति हो गया है, देखिए क्या है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज डबल ऑन इटसेल्फ। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए, इज डबल ऑन इटसेल्फ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे देखिएगा, बोला गया कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। वायर मतलब क्या, वो किसी सेमी वायर का होगा, मान लीजिए कोई वायर होगा, चाहे वो सिल्वर का रहा होगा या कॉपर का रहा होगा। तो इसको डबल कर दिया गया, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है, रेजिस्टेंस इसका दिया गया है आर जो है 10 ओम है। स्टूडेंट इसका लेंथ आप मान लें एल और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी ए है। अब इसी पर इसको डबल कर दिया गया, जैसे मान लीजिए मार्कर स्टूडेंट, इस मार्कर को बीच से यहाँ पर तोड़ के इसको डबल कर दिया गया है, मतलब इसको दो राउंड कर दिया गया, इसी पर मोल्ड कर दिया गया है। तो जब इसको दो राउंड करोगे तो वायर छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब कि इसको दो राउंड करोगे आप इस तरह से, बीच में से ही इसको दो राउंड कर दिया गया है, डबल कर दिया गया ऑन इटसेल्फ, इसी पे इसको डबल कर दिया गया है। तो अब बताइए स्टूडेंट, जब आधे पर से इसको डबल करोगे तो लेंथ तो एल बाई टू हो जाएगी, कॉमन सेंस की बात है, लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी क्योंकि इसके हाफ से ही डबल करोगे। लेकिन अब एरिया ये ए है तो भी कितना हो गया आपका, ए हो गया, मतलब आपका एरिया जो हो गया 2a हो गया। सिंपल सी बात है ना कि ये ए है, इसी को जब आधे से जब इसको जैसे मान लीजिए इसको कट करके इसको जब डबल करोगे तो ये ए और ए जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, एरिया 2a हो गया, यही स्टेटमेंट का मीनिंग है। अच्छा, इसके लिए रेजिस्टिविटी रो है तो इसके लिए भी क्या होगी, रो ही होगी, क्योंकि सेम वायर होगा, वायर बोला गया है तो ऐसा नहीं कि वायर बदल गया, अगर ये कॉपर वायर है तो ये कॉपर वायर ही होगा। न्यू रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, कैसे निकालोगे आप, तो इसका देखिए आर लिखिए, क्या होता है रो एल बाई ए होता है, आर कितना दिया है 10, रो एल बाई ए। अब इसकी इसी को हम लोग पुट करेंगे जैसे बता रहे हैं हर बार। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आर डैस निकालते हैं इसका, तो आर डैस इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट बताइए, रो एल, एल अब की बार कितना लेंगे, एल बाई टू लेंगे अपान ए, तो एरिया कितना है आपका 2a है। अब ध्यान से देखिए, तो ये 2 जा कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई ही हो जाएगा क्योंकि ये 2 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, तो आर डैस इक्वल टू कितना होगा बताइए, रो एल। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, 2 जा 4, तो 1/4 को अलग कर लीजिए इस तरह से, और रो एल बाई ए इस तरह से इसको सेपरेट कर लीजिए, और रो एल बाई ए की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 10 है, देखिए यहाँ से रख दीजिए 10, तो आपका जो है आर डैस आ जाएगा, तो आर डैस की जो वैल्यू आ गई 1/4 × 10, तो देखिए कितना ईजिली हो गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो जो आर डैस की वैल्यू आएगी 5/2, और 5/2 का मतलब आप समझ पा रहे हैं 2.5 ओम, ये आपकी आर डैस की वैल्यू आ गई। तो इसमें कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है, एकदम आप कर सकते हैं, आर डैस की वैल्यू आ गई 2.5 ओम। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन भी अगर आए तो डबल ऑन इटसेल्फ, तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे देते हैं, जरूर कीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देंगे, जब भी बोले डबल ऑन इटसेल्फ मतलब उसी को बीच में से इसको मोल्ड कर दिया गया है। तो ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन हम देते हैं उसको जरूर करके लाइएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ट्रिपल ऑन इटसेल्फ। अब इसको ट्रिपल कर दिया गया है, उसके 3 भाग कर दिया गया, आप समझिएगा, अगर L है तो L बाई 3 हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, 20 ओम ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड करना है आपको न्यू रेजिस्टेंस। स्टूडेंट आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे करना है, अगर आप यहाँ पर
लेंथ एल मान लेते हैं तो उसको 20 ओम रेजिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया गया। ट्रिपल करने उसको तीन बार लिखना है, ऊपर 1, 2, 3 बार रखना है। तो आप कीजिएगा इसको, बहुत आसान है, कर सकते हैं, उम्मीद है आप जरूर करेंगे इसको। तो ओके स्टूडेंट, तो इस पर लेक्चर तो समाप्त हो गया, रेजिस्टिविटी पर बता ही दिया आपको, क्वेश्चन बहुत सारा करा दिए, और ये आपको जो होमवर्क दिए हैं क्वेश्चन को करना होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।